गुड आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश और मैं अभी भी पूरे के पूरे अंग्रेजी में कहते हैं मूवी के स्टार कास्ट के साथ लाइव बातें कर रहा। थोड़ी देर पहले हमने संजय सर के साथ बातें की, एकाबली के साथ हमारी बातें हुई, ढेर सारी बातें की और ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आपने हमें बिल्कुल लाइव देखा। और एक बार फिर से इस वक्त 91.9 फ्रेंड्स एफएम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हम लाइव हैं और 40 लाख लोग करीब करीब आपको इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पे सुनने वाले हैं, अंशुमन झा और शिवानी रघुवंशी को। जी हाँ, इस मूवी में नजर आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इस मूवी की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। थैंक यू वेरी मच अनिमेश, ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू कोलकाता। बिल्कुल, या सेम मैं वही बोलने वाला था कि जब जब मैं इनके साथ बातें करता हूँ बहुत अच्छा लगता है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर है। अंशुमन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अंग्रेजी में कहते हैं नाम में बहुत दम है, और जब पहले तो बधाई दे दूं कि ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रही है, हर घर की कहानी से कही जा रही है, कुछ कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? नॉट जस्ट हिंदुस्तान, मैं कहता हूँ दुनिया भर में। हमारी फिल्म का प्रीमियर न्यूयॉर्क में हुआ था, सेलिब्रेशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और वहाँ पे भी लोगों ने फिल्म के बाद उठ के कहा कि हमने 22 साल शादी, इनफैक्ट एक अमेरिकन आदमी ने कहा कि शादी के 22 साल हो गए हैं और इस फिल्म को देखने के बाद मुझे आज दिल कर रहा है कि मैं घर जाके अपनी बीवी को बोलूँ कि आई एम सॉरी एंड यू आर वेरी स्पेशल। सो फिल्म उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूनिवर्सल है, क्योंकि हम सब के पेरेंट्स की कहानी है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स मैकेनिकल हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं एक बहुत ही प्यारे तरीके से, एक फन तरीके से आपको बताता है कि हाउ यू नीड टू कीप मेकिंग द वुमन इन योर लाइफ फील स्पेशल। चाहे आप 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के हैं, औरतों का हक है मेरे हिसाब से कि आप जिंदगी भर उनको स्पेशल फील कराएं। शिवंत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मूवी की स्टोरी तो सबके दिल को छू रही है, वैसे आप कुछ कहना चाहेंगे अपने रोल के बारे में, क्योंकि आप लोगों का भी दोनों का रोल बहुत ही स्ट्रांग है इस मूवी में। बेसिकली मैंने भी ये फिल्म इसीलिए की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था फिल्म बहुत रिलेटेबल है एंड ये मैं रोज देखती हूँ एक्चुअली अपने सराउंडिंग में, सो वो बहुत अच्छा था। दूसरी बात ये कि प्रीति इतनी छोटे से शहर की होकर और ऐसे पेरेंट्स के बावजूद भी, शी कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, पर उसके बावजूद भी वो बहुत स्ट्रांग है, वो वही करती है जो वो चाहती है करना। सो आई थिंक मुझे मेरे कैरेक्टर में ये बहुत दिलचस्प बात लगी कि वो जहाँ से भी है, चाहे उसके माता पिता जिस भी तरीके के हैं, उस सर्कमस्टांसेस में भी रह के वो आज की लड़की है, वो वही करना चाहती है जो वो करना चाहती है, और वो कैसे अपने पेरेंट्स को इवेंचुअली कन्विंस भी कर लेती है। बिल्कुल, तीन स्टोरीज दिखाई गई है जो हमने देखा है कि लव स्टोरीज, तीन लव स्टोरीज दिखाई गई, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, फिल्म का कोर एक 50 साल के आदमी जो मिश्रा जी और उनकी बीवी जो शिवानी के पेरेंट्स हैं, लेकिन फिल्म शुरू होती है इस एक यंग लव स्टोरी के साथ, और कैसे हमारे मेरे कैरेक्टर का नाम जुगनू है, जो कि एक बहुत ही लाउड कलरफुल, इट्स इन अ वे माय ओड टू गोविंदा, लाइक आई हैव ट्राइड टू डू एवरीथिंग दैट आई हैव एंजॉयड वाचिंग हिम डू इन अ वेरी रियल स्पेस, नॉट इन अ कैरिकेचरिश वे। हाउ दिस लव स्टोरी लीड्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बाद पेरेंट्स की सेपरेशन होती है, उसके बाद कैसे एक यंग कपल और एक मिडिल एज कपल जो कि पंकज त्रिपाठी की जो स्टोरी है, कैसे इन दोनों से इंस्पायर होके यशवंत जो कि संजय मिश्रा जी प्ले कर रहे हैं अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पे लाते हैं। सो मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे हरीश व्यास नैरेटिव इन द स्क्रिप्ट, आई हैव बीन कॉलिंग इट अ लव स्टोरी फॉर ऑल एजेस, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं द स्टोरी द फिल्म इज दैट, हम लोग 22-25 साल के एक कपल हैं, मिड 30s में पंकज जी को दिखाया है और लेट 40s-50s में संजय जी को दिखाया है, तो इन अ वे ये एक आदमी की भी कहानी हो सकती है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन देयर लाइफ। और जब हरीश ने मुझे पहली बार फिल्म सुनाई थी तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आपके लव स्टोरी का एवोल्यूशन होता है, शुरू जब आप यंग होते हैं, फिर आपकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, तो वो अपने एक स्पीड पे इवॉल्व करता रहता है। सो अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक पर्सपेक्टिव से देखें, सो इवन दो तीन मर्द हैं, वो एक ही मर्द की जर्नी हो सकती है अगर आप उस थ्रेड के रूप से भी देखें तो। बिल्कुल, और इस मूवी में आपने तीन शब्द सिखाने की कोशिश की है संजय सर को, यशवंत जी को। जी तीन शब्द सिर्फ कहने की नहीं, इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है कि आपको सिर्फ कहना नहीं चाहिए, दिखाना भी चाहिए। इनफैक्ट शिवानी के किरदार प्रीति का एक डायलॉग है फिल्म में, प्यार कहने का भी नाम है और बोलने का भी नाम है, और चुप रहने का भी, पर सुनाई तभी देता है जब कहा जाता है। बिल्कुल, और दिखाया जाता है। सो आई थिंक यू शुड नॉट जस्ट से इट, यू शुड ऑल्सो शो इट, क्योंकि वो फेमस प्रोवर्ब है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
So I think, as I said, it's every man's job to keep doing what he did at the beginning of a relationship. Mm-hmm. Most men, and all of us have been culprit mm-hmm. at some point in all our relationships. Kaam ko leke ya, aap bhool jaate hain ki shuruaat kya thi. So hame wo is ये फिल्म हमें वो चीज़ याद दिलाएगा और रिलेट इसीलिए आप कर पाएंगे क्योंकि हरीश व्यास ने बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से बताया है. एक नदी की तरह है ये फिल्म और इसके चेक पॉइंट्स हैं ये लव स्टोरीज अलग अलग, लेकिन अंडर करंट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है लोगों के बीच का, और हरीश ने बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये जताया है जिसकी वजह से फिल्म देख के आपको मज़ा ज़रूर आएगा. बिल्कुल, जब हरीश की बातें हो रही तो मैं जानना चाहूँगा फ्यू वर्ड्स पर हरीश व्यास, कुछ कहना चाहेंगे उनके साथ काम करके कैसा लगा? आप मुझसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल जी, क्या मैं मजाक कर रही हूँ? एक्चुअली हरीश के साथ काम करना बहुत आसान है क्योंकि जो वो बोलते हैं ना बिल्कुल वही वो सेट पे भी हैं. मतलब जैसे उन्होंने मुझे नरेशन दिया था, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ क्या होता है, आप नरेशन में मिलते हो तो एक अलग तरीके का इंसान होता है, सेट पे इंसान बदल जाता है. हरीश नरेशन में भी वैसे थे और सेट पे भी वैसे हैं, तो उनको समझ एक दिन में आप समझ सकते हैं. एंड ही इज वेरी स्वीट. तो सबसे अच्छी चीज़ उनकी है कि कोई भी जाके ना लाइक दो उनका बहुत अपना लाइक यूजुअली क्या होता है डायरेक्टर के साथ, वो अपनी स्टोरी को लिख के देते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज उन्होंने लिखी है, बहुत क्लोज होती है उनके दिल के, तो लोग बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बहुत ईगो आ जाता है अगर आप थोड़ा सा भी बोलोगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है. हरीश के साथ ऐसा नहीं है. हरीश जो भी जाते हैं ओपन आर्म्स के साथ वो आपका सजेशन एक्सेप्ट करते हैं, वो देखते हैं कि हम एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है एक्टर फ्रेंडली है जो कहा जाता है, एक्टर फ्रेंडली है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक्टर्स ना किरदार जी रहा होता है, तो कई बार एक डायरेक्टर लिखता है तो डायरेक्टर 6-10 किरदार साथ में लिख रहा होता है, और जब एक एक्टर परफॉर्म करता है तो वो एक ही किरदार को बहुत लंबे समय तक जी रहा होता है, तो कभी कभी उनसे जो चीज मिस हो जाती है वो हमें एक्टर्स को फील होता है कि एक्चुअली अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है और ये कहाँ से आ रहा है. बट समटाइम्स टू कन्विंस द डायरेक्टर इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मुझे ऐसा लगता है, बट विद हरीश ही विल लिसन टू योर सजेशन एंड ही विल मेक श्योर दैट वो आपको सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं. आई थिंक हरीश जस्ट टेकिंग क्यू फ्रॉम व्हाट शिवानी सेड, हरीश की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो एक बहुत ही कमाल के इंसान है मेरे हिसाब से. नाउ आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम. न्यूयॉर्क में जब वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था तो मैं उस फेस्टिवल में तीसरी बार गया था, हरीश का पहली बार था, सो आई टुक दी ओनर्स ऑन मी टू शो हिम न्यूयॉर्क अराउंड. सो फिल्म से पहले हमारी एक बॉन्डिंग थी, फिल्म के दौरान दूसरी एक नेक्स्ट लेवल की बॉन्डिंग थी, फिर जब न्यूयॉर्क में हम घूमे साथ में, उनके अंदर ना एक बच्चा है और मेरे अंदर भी एक बच्चा है, तो उस लेवल पे मैं कनेक्ट कर गया उनके साथ. और उनकी सबसे बड़ी खासियत जो शिवानी ने बोली कि जब एज एन एक्टर हम किरदार जी रहे हैं, डायरेक्टर अपनी कहानी एक्टर्स के थ्रू बताते हैं, राइट, तो हम कुछ चीज़ें डिस्कवर करते हैं जो गौरतलब है कि लिखते समय शायद मिस हो गया हो क्योंकि आप जी नहीं रहे हो, राइट. सो इस फिल्म के दौरान कितने सीन्स हुए जहाँ संजय सर और मैं, क्योंकि हम लोग के रूट्स थिएटर में हैं, हम लोग थोड़ा बह जाते थे और कुछ ऐड जैसे ट्रेलर का वो लास्ट लाइन जो है कि पापा जी मम्मी को गए हुए 2 दिन नहीं हुए और आप इस सब पे आ गए, वो लाइन स्क्रिप्ट में नहीं थी, वो उस सीन में इम्प्रोवाइज करते समय आ गई और वो इतने अच्छे से आई क्योंकि वो एक मॉन्टाज सीक्वेंस था कि आदमी गूगल पे सीख रहा है कुछ और वो सीन भी इम्प्रोवाइज था. लेकिन वही सिचुएशन है कि कैसे एज एक्टर्स हरीश गिव्स यू दैट फ्रीडम टू लिव इट. एंड ऑल्सो आई फील ही इज अ वेरी ओल्ड स्कूल डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ द वे ही थिंक्स, क्योंकि उनको जिस तरह उनको 60s-70s के गाने पसंद है, आप उनसे अभी लॉबी में मिलेंगे तो वो कुछ गुनगुना रहे होंगे कोई पुराना गाना. मैंने उनको आज ही बोला है कि आप आकाशवाणी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली गाना गाते रहते हैं. तुम एक दूसरे रेडियो चैनल पे हो तो मैं नहीं जी लेना. नहीं, कोई बात नहीं, आकाशवाणी इज गवर्नमेंट, सॉरी. सो हरीश की बहुत बड़ी खूबी है, म्यूजिक उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. हमारा एक गाना ऑलरेडी आ चुका है जो की बहुत ही प्यारा गाना है, दूसरा गाना आने वाला है 11 तारीख को जो कि मेरा फेवरेट गाना है. हाँ, दो आ चुके हैं, आई एम सो सॉरी. लव स्टोरी एक लव सॉन्ग एक आया है, सेकंड लव सॉन्ग आएगा. सेकंड लव सॉन्ग आपको इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि उनका म्यूजिक सेंस कितना स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ही सहजता से बहुत ही आराम से एक इतनी प्यारी कहानी कह गए हैं. वो जैसे 60s-70s में फिल्म होती थी ना जो एक नदी की तरह मीएंडर करती थी, ये वैसी कहानी है, बस एंगेजिंग है ये और आपको एंटरटेन करेगी. एक्चुअली
मैंने जब फिल्म देखा है आई बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फिल्म ना बहुत इट्स नॉट आज का फिल्म इट्स नॉट समथिंग वेरी जो आजकल फिल्में बन रहा है इट्स वेरी डिफरेंट छुट्टी में चीजें नहीं हो रही है और इसीलिए यू कैन फील इट जब मैं पहले फिल्म देखती थी ना अपने पेरेंट्स के साथ मुझे बहुत फिल्म वैसा फील होती है द पेस एवरीथिंग इज वेरी इसीलिए आई थिंक रिलेट भी लोग ज्यादा कर पा रहे हैं कुड बी क्योंकि मैंने अब फिल्म न्यूयॉर्क में देखी और फिर जयपुर में जब इंडिया प्रीमियर हुआ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जयपुर वी सॉ इट देयर एंड ऐसा बहुत हो रहा था कि बहुत यंगस्टर्स बोल रहे थे पापा आप भी ऐसे करते हैं घर पे ओके सो एंड द फादर्स वर लाफिंग बट दे वर गेटिंग एम्बैरेस्ड क्योंकि वो जानते थे कि वो यशवंत के साथ वो रिलेट कर रहे हैं कनेक्ट हो जा रहे हैं तो दैट्स द फिल्म्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ कि हमारे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स सबके पेरेंट्स हमने कहीं ना कहीं घर में देखा है कि फादर ऑफिस जाता है मदर काम करती है किचन संभालती है इवन इफ द मदर इज वर्किंग किचन इज द मदर्स डिपार्टमेंट रनिंग द हाउस वीज़ावी मॉनिटरी फैक्टर्स इज द फादर्स एंड कैसे उस जद्दोजहद में कहीं जिंदगी मैकेनिकल हो जाती है और उस लेवल पे आई थिंक ऑल कपल्स विल रिलेट टू दिस इवन द यंग वंस लाइक इट हैपेंस टू अस ऑल्सो एंड आवर फ्रेंड्स ऑल्सो सो या अंग्रेजी में कहते हैं इज अ वेरी स्पेशल फिल्म फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अंग्रेजी में कहते हैं एक फनी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मेरे दिमाग में आया था मैंने संजय सर से पूछा था आपसे मैं पूछना चाहूंगा बताना चाहेंगे इसके ग्रैंड सक्सेस के बाद क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट होने वाली है इसके बाद क्या पंजाबी में कहते हैं गुजराती में कहते हैं बंगाली में कहते हैं सीक्वेंस बनेंगे मुझे तो पहले लगता है इस सवाल का पहला पार्ट में आंसर ये दूंगा कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट हुई जैसे आपने कहा है तो आपका नाम है प्रॉफिट अन्वेश क्या बात है भविष्यवाणी कर रहे हैं फिर मेरे हिसाब से आपको आधा टाइम बंबई में स्पेंड करना चाहिए क्योंकि आपकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है मैं सीधा वहीं जाने वाला हूँ शिफ्ट करने वाला हूँ वैसे अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद गुजराती में कहते हैं बंगाली में कहते हैं क्योंकि नाम बहुत कैची है लैंग्वेज लाइक धर्मेंद्र जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग है इट्स नॉट द एज इट्स द माइलेज मैं उसी जहन में कहूंगा कि लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर जैसा मैंने कहा कहने जितना जरूरी है जताना और दिखाना भी उतना जरूरी है सो लैंग्वेज इज नो बार आई फील यू नीड टू से इट एंड शो इट और कभी कभी ना जब दिल में होता है तो वो आंखों में दिख जाता है आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है देर आर कपल्स हु जस्ट द वे दिल होल्ड हैंड्स यू विल नो कि देर इज समथिंग स्पेशल बिटवीन देम वर्सेस पीपल जो बोलते रहते हैं फेसबुक पर लगाते रहते हैं लेकिन आपको पता है कि आधे टाइम किरण को दिखाई गई है यशवंत को दिखाई गई है तो अगर हम संजय सर की बातें करें कावली की बातें करें आपकी पूरी टीम की बातें करें शूटिंग के दौरान मैंने जो अभी खबर मिल रही है संजय सर एक गाना है उनका फेवरेट वो गाना हमेशा गाया करते थे हाले दिन वो गाना ये सब कुछ हमारे साथ अगर शेयर करें प्लीज आप मजाक नहीं कर रही हाले दिन मैंने पहले कभी नहीं सुना था हमारे सपनों में आता है अब मैं जब वापस आ गई थी ना बॉम्बे तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने गाना कहाँ सुना बिकॉज ये हम लोगों का ना कॉन्स्टेंट वॉकिंग से दिन भर ही गाना चल रहा है हाँ सो आई थिंक और दूसरी चीज है संजय के साथ मैंने पहली बार काम किया उन्होंने इतनी फिल्म कर ली है लेकिन फिर भी कभी आपको एक मिनट पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी बड़े कलाकार के साथ काम कर रहे हैं वो इतने एक्सेप्टिंग है और वो हमारे साथ नीचे बैठते हैं वो हमारे लिए खाना मंगाते हैं बनाते हैं मंगाते से ज्यादा बनाते हैं खुद से बना के खिलाते हैं सो ये सेट की सबसे बड़ी मेरे लिए सेट पे सबसे जी जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है मुझे ऐसा लगता है ह्यूमन बीइंग्स कनेक्ट द मोस्ट ओवर फूड और इस शूट के दौरान हमने इतना साथ बैठ के खाना खाया एक तो बनारस में कमाल का खाना ऊपर से संजय जी को बनारस इट्स लाइक एट द बैक ऑफ हिज हैंड तो उन्होंने गलियों में कहाँ कहाँ क्या क्या खिलाया और उनका ना एक उनकी टोली साथ में चलती है जिसमें एक छोटा गैस होता है एक प्रेशर कुकर होता है क्योंकि उनको खिचड़ी खाने का शौक है और जब उनको होटल का खाना या ये केटरिंग का खाना नहीं खाना हुआ तो सेट पे खिचड़ी बनती थी और हम सब लोग जमीन पे बैठ के साथ में खाते थे सो वो एक बड़ा थिएटर जैसा बैरी जॉन जब मेरे एक्टिंग गुरु हैं वो उन्होंने मेरे कोर्स के टाइम मुझे एक चीज़ बोली थी कि पुराने ज़माने में थिएटर ग्रुप्स यूज टू eat together and that used to be the energy sharing so actual rehearsals se zyada ek dusre ko khate samay jante the aur mujhe aisa personally lagta hai ki jo actors saath mein baith ke meals share karte hain wo connectivity ek alag level ki ho jati hai also unke paas ek wo tha speaker tha jo wo aise leke chal rahe the bilkul ha to black sunglasses baal pe wo bandhe hue don ki tarah ghumte the aur haath mein aise ek transistor leke ghumte the jis pe speaker bana hua tha to और उस पे गाने बजते रहते थे और हम चलते रहते थे सो जो बनारस
मैं ये हमेशा मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ ये बोल रहा हूँ, मेरे लिए पर्सनली देर आर फ्लैग पोस्ट फिल्म इन योर लाइफ एंड फ्लैग पोस्ट एक्सपीरियंसिस. दिस फिल्म इज अ एज एन एक्टर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी, बट एज अ लाइफ एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ संजय मिश्रा एंड बिकॉज ऑफ द टाइम वी स्पेंड एंड बिकॉज आई लव द मैन एंड आई नो ही लव्स मी, सो आई एम लकी दैट आई हैव कनेक्टेड विद हिम ऑन दैट लेवल. क्योंकि बहुत ही उमदा कलाकार है, क्योंकि बड़े कमाल के इंसान, बड़े मजेदार आदमी है. बिल्कुल. और वो नदी के उस पार है. हम लोग जो जद्दोजहद क्रेजीनेस में लगे हुए हैं, आप उनकी लाइफ देखिए और जो काम कर रहे हैं, एक तरफ वो दिलवाले और ऑल द बेस्ट भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ कड़वी हवा मसान भी कर सकते हैं. माय डेफिनेशन ऑफ अ गुड एक्टर इज दैट, एंड दैट्स व्हाई आई से आई फील ही इज द बेस्ट एक्टर इन द कंट्री, बिकॉज ही कैन डू बोथ विद इक्वल अप्लॉम, इंटरनलाइज एंड एक्सटर्नलाइज, विच आई थिंक इज अ रियल टेस्ट ऑफ एनी एक्टर. एंड मेरी नज़र में जो लोग कहते हैं कि अरे वो तो आसान है, कुछ आसान नहीं होता बॉस, शायद आप कर नहीं पाते हो इसलिए आप उसको आसान बोल रहे हो. जो संजय सर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, वो कुछ अलग ही बात है. एक सीन के दौरान मैंने उनको उन्हीं के तौर तरीके से बोल दिया था, पा पा उनकी किसी फिल्म का है, एंड ही प्लेड अलोंग, सीन कट नहीं हुआ, एंड वो फिल्म में शायद नहीं है वो, लेकिन आई एम सेइंग उनका जो लिटरली थिएटर की तरह गिव एंड टेक, बहुत ही गिविंग एक्टर है जो कि एक्सपीरियंस को बहुत रिच बनाता है. क्या बात है, जाते जाते 40 लाख लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, लाखों लोग वर्ल्ड वाइड आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उन सभी से? 18th में का सभी इंतजार है, मैं बस आपको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज जाके ये फिल्म थिएटर में देखिए. एंड मुझे पूरा पता है और उम्मीद है कि ये फिल्म सबको पसंद आएगी, सब सब कुछ सीख के जाएंगे इस फिल्म से. मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक लव इज यूनिवर्सल, प्यार सबसे जरूरी चीज है आज की दुनिया में, स्पेशली हम सबके बीच में, घरों में स्पेशली, क्योंकि जो घर में होता है वो फिर बच्चे देखते हैं, जो बच्चे देखते हैं वो सीखते हैं, जो बच्चे सीखते हैं वो फिर आगे करते हैं. तो ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा इस चीज़ का कि बहुत ही छोटी सी चीज़ है कहने को आ जाए तो, और हम सबको कहना चाहिए, जताना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए. और ये मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और ट्रैफिक, इन सब के बीच में फंस छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल जा रहे हैं, छोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को जीने लायक बनाती हैं. बिल्कुल सही बात. तो अभी हमने साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट किया एयरपोर्ट से आने के बाद, उसमें कुछ चीज़ें हो गई जो आपको इस ट्रिप की याद दिलाएंगी. इंटरव्यूज़ वगैरह चलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं जब आप 18 मई को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि प्यार कहने का भी नाम है, चुप रहने का भी. और आई थिंक उस थॉट के साथ आपको फिल्म प्लीज़ देखनी चाहिए, आपको मज़ा बहुत आएगा. इस बात की एंटरटेनमेंट गारंटी, इस बात की गारंटी मैं लेता. क्या थैंक यू सो मच अंशुमन, थैंक यू सो मच मनी, हमारे साथ बातें करने के लिए बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ बातें करके. ऑल द बेस्ट, 18th में काम सभी को इंतजार है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. दैट्स फ्रॉम मी बैक स्टूडियो.